आज हिंदुस्तान के संविधान पे जिस तरीके का प्रहार हो रहा है, चाहे एनआरसी का प्रपोजल की बात हो, सीएबी की बात थी, सीएए की बात है, हमको आपको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान को धर्म में नहीं बांटा जा सकता। हमारा संविधान ये नहीं अलाउ करता कि हम किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को भी अलग करें। आज लखनऊ शहर में हमारे क्षेत्र से सभी इलाकों से लोग इकट्ठा हुए हैं, भारी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा सबसे, अपने साथियों से, कि हिंदुस्तान के संविधान के नज़रअंदाज रखते हुए आप कोई भी काम करेंगे उसका विरोध ज़रूर होगा। इस देश का जो संविधान है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म को, हर जात को, हर सब, हर भाषा को, हर क्षेत्र को साथ लेके चलने की बात करता है। उसके मुताबिक हम लोग जरूर से अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने हक की बात रखेंगे। और मैं अपील करता हूँ, जो भी आज के हुक्मरान हैं, जो भी आज की सरकारें हैं, उनसे अपील करता हूँ कि आपको देश की जो जायज़ आवाज़ है, जो हमारे संविधान में निहित हमारे अधिकार हैं, उनको आपको सुनना होगा। ये हमारी अपील है, ये हमारा वचन। अभिषेक जी, आज 13-14 दिन हो गए हैं और आज आपको याद आया है कि यहाँ पे इस तरीके का धरना प्रदर्शन चल रहा है सीएए एनआरसी के खिलाफ, तो आज ही आपको आज आप मिल गए। बाकी हमारी आपकी मुलाकात तो साथियों के साथ बहुत बार होती रहती है, हम लोग हम लोग लगातार बने हुए हैं यहाँ। आज ये तो आज की बात है, आज आप मिल गए तो अच्छा था। आज यहाँ के आप भी और आए करिए। नहीं, हम लोग रोज आते हैं तो, लेकिन ये होता है ना, जब चेहरे दिखते हैं तो जी जी जाता है, निकलता है। अभिषेक जी, क्या मैसेज है इन महिलाओं के लिए? जिस तरीके से वसीम रिजवी साहब का भी बयान आया, मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ उसी बात को, कि इस देश का संविधान हमको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है। अगर हमारे लोगों में इस देश में, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सिख ईसाई की बात नहीं, किसी धर्म से जोड़ के, किसी वर्ग से जोड़ के, किसी जात से जोड़ के, किसी भाषा से जोड़ के, किसी पहनावे से जोड़ के, इसको नहीं देखना है। इस देश का अगर संविधान ये इजाजत देता है कि रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो हमारी बात है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते। अगर कोई ऐसा कानून है तो उसमें जो भी हुक्मरान है हमारी बात सुने और उसमें बदलाव लाएं, ये हमारी अपील है। बिल्कुल सही कर रही हैं, वो मर्दों को आईना दिखा रही हैं, और वो पूरे मुल्क में महिलाओं ने जागरूकता का सबूत दिया है। ये उन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है
जो उन पार्टियों में हैं जो अमित शाह के पैरोल पर हैं वो उत्तर प्रदेश में है, मैं पुलिस स्टेट है, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। एक आदमी ने उसको पुलिस स्टेट बना दिया है और बहुत जल्द उसके खिलाफ ऐसे ही जनता उठेगी। कोई एक कमेटी नहीं, सारी कमेटी पूरी कंट्रोल में नहीं रही है, पूरी उसकी जबान हमेशा ऐसे ही यही है। कुछ लोगों की जबान ठीक थी, उनको बीजेपी ने खराब कराया है दिल्ली के चुनाव में। जहाँ तक योगी का सवाल है, उसकी जबान हमेशा खराब है। देखिए पूरी दुनिया में एक चीज फैल गई है जिसको कभी सपने भी नहीं सोचा जा सकता था कि यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रस्ताव आएगा, बरतानिया में एक एक दिन में 50-50 प्रदर्शन होंगे, अमेरिका में 60-60 प्रदर्शन होंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन हमारी इन बहु बेटियों ने जो अब तक घर से बाहर नहीं निकली थी, उन्होंने आईना दिखाया है मर्दों को, मर्दों को आईना दिखाया है। अगर मर्द अभी मुझसे हरदोई के एक पॉलिटिकल आदमी आए थे तो कहने लगे कि मैं शाहीन बाग में या घंटा घर में आधा घंटा रुक के आया हूँ। मैंने कहा आप क्या महसूस किया आपने? उन्होंने कहा कि मुझसे जिसने पूछा, मैंने कहा कि आपको यह करने की ज़रूरत है नहीं, आप अपने वोट को अपने नेतृत्व में एक जगह जमा कर लें, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी तो सोचा होगी, और हालांकि वो ठाकुर बिरादरी के थे और कहने लगे कि अगर इस लाइन पर बढ़ता है तो एक मेरा नाम भी देख लीजिए कार्यकर्ता के तौर पर, और वो एक मशहूर आदमी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उनका नेता नहीं हूँ, वो हमारी नेता है। इसलिए मैंने मोदी जी को एक खत लिखा है, मेरी जान पहचान भी है पहले से, मैंने एक खत लिखा है, वो खत सोशल मीडिया पर दिया है फेसबुक पर, और उसमें मैंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और मेरा ख्याल है कि दिल्ली के चुनाव तक मोदी चाहेंगे कि और तेज हो, समझ गए ना, ताकि पोलराइजेशन वहाँ हो सके। लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क जाग गया है, सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं जागी, यह एक मुसलमान औरतें खुल के आ गई मैदान में।